हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यू आर वाचिंग पार्ट टू ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री हाफ ईयरली सिलेबस वन शॉट वीडियो। ठीक है, पार्ट वन के अंदर मैंने आपका चैप्टर 2, 3 and 5 कंप्लीट करवा दिए थे एंड इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 और 7 वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद एक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि पार्ट वन और पार्ट टू की झंझट ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। सो चैप्टर नंबर 6 है द थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स का मतलब है तीन सोशल कैटेगरीज। सो क्या है ये तीन सोशल कैटेगरीज, तो चलिए समझते हैं। तो देखो, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के कारण वेस्टर्न यूरोप की जो सोसाइटी थी वो तीन ऑर्डर्स के अंदर बट गई थी 9th और 16th सेंचुरीज के दौरान। तीन ऑर्डर का मतलब है तीन सोशल कैटेगरीज, ठीक है। जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जर्मेनिक लोगों ने इटली, स्पेन, फ्रांस इन रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तीन ऑर्डर का मतलब है तीन सोशल कैटेगरीज। कौन कौन सी सोशल कैटेगरीज थी, क्रिश्चियन प्रीस्ट की, लैंड ओनिंग नोबल्स की और पेजेंट्स की, ठीक है। जो ये टर्म फ्यूडलिज्म है ये हिस्टोरियंस ने यूज़ करी है यूरोप के मिडिवल एरा की इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि यूरोप में मिडिवल एरा के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप्स चल रहे थे उसके लिए फ्यूडलिज्म टर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था वो हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो तीन सोशल कैटेगरीज कौन कौन सी थी, तो फर्स्ट सोशल कैटेगरीज में आते थे ये, सेकंड के अंदर आते थे ये और थर्ड के अंदर ये लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर यानी कि फर्स्ट सोशल कैटेगरीज के अंदर आते थे क्लर्जी लोग यानी कि प्रीस्ट वगैरह। इसके अंदर आते थे कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च एक बहुत बड़ा चर्च था जो कि फ्रांस में, इंग्लैंड में उस टाइम पर बना था। बिशप्स और क्लैरिक्स वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही पार्ट थे। और पोप, पोप कौन होते हैं, चर्च के हेड, वो रोम में रहा करते थे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही पार्ट थे। विमेन जो थी वो प्रीस्ट नहीं बन सकती थी। मोंक्स जो कि मोनास्ट्रीज में रहा करते थे वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही पार्ट थे। सेकेंड ऑर्डर यानी कि सेकेंड कैटेगरी में आते थे नोबल्स यानी कि रिच लोग जो किंग के वेसल्स होते थे, ठीक है। वेसलेज का क्या सिस्टम था ये मैं आपको इस वीडियो में फर्दर आगे बताऊँगी। वो एक प्रिविलेज स्टेटस एंजॉय करते थे और उनका उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था। वो ट्रूप्स भी रेस कर सकते थे और इवन वो खुद का मनी भी कॉइन कर सकते थे, ठीक है। सो थर्ड ऑर्डर के अंदर आते थे पेजेंट। और पेजेंट भी दो तरीके के थे, फ्री पेजेंट्स और सर्फ्स। सर्फ कौन होते थे, सर्फ वो लोग होते थे जो लॉर्ड के लैंड के ऊपर काम करते थे, ठीक है, जो लॉर्ड के प्लॉट्स को कल्टीवेट किया करते थे उन्हें सर्फ बोला जाता है। तो सारे तरीके के पेजेंट्स जो थे वो थर्ड कैटेगरी का पार्ट थे। जो मेनोरियल एस्टेट है इसके बारे में आप पेज नंबर 136 पे अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लर्जी के बारे में। जो चर्च था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। जो पोप था वो चर्च, कैथोलिक चर्च के हेड होते थे, ठीक है, वो रोम में रहा करते थे। बिशप्स कौन होते थे, रिलीजियस नॉबिलिटी, जो नॉबल्स हैं बट रिलीजियस हैं, ठीक है। चर्च उस टाइम पे उस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता था। चर्च एक टैक्स भी कलेक्ट करता था जिसे टिथ बोला जाता है। वो थर्ड सोशल कैटेगरी यानी कि पेजेंट से कलेक्ट करते थे। चर्च बहुत सारी सेरेमनीज को कॉपी करता था, मतलब अपना दबदबा बनाने के लिए सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आलतू फालतू के आज भी कुछ कुछ हम करते हैं, देखते हैं अपने आसपास कुछ कुछ कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे। सो उस टाइम पे चर्च भी ये सब कुछ किया करता था, ठीक है, अपना दबदबा मेंटेन करने के लिए। कुछ क्रिश्चियंस ने सोचा कि क्यों ना हम आइसोलेटेड ज़िंदगी जिए और एबेज में रहें, ठीक है। मोंक्स जैसे कि उन्होंने चूज़ किया कि वो आइसोलेटेड ज़िंदगी जिएंगे। सेकेंड कैटेगरी थी नॉबिलिटी। अब जो ये टर्म है फ्यूडलिज्म, ये एक जर्मन वर्ड फ्यूड से डिराइव की गई है। फ्यूड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है, सोसाइटी का डिविज़न, ठीक है, जो उस टाइम पे फ्रांस में, इंग्लैंड में और फिर सदर्न इटली में देखने को मिला था। अब ये एक सिस्टम होता है फ्यूडलिज्म, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एक रिलेशनशिप होता है लॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच में। भाई पेजेंट्स लॉर्ड की ज़मीन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, इस सिस्टम को ही फ्यूडलिज्म बोला जाता था। अब क्या होता था, जो नॉबिलिटी थी ना वो एक प्रिविलेज रोल रखती थी सोसाइटी में, मतलब कि उनका जो लैंड होता था उसके ऊपर पूरा दबदबा बनाए रखती थी और उसके ऊपर पेजेंट्स काम करते थे, ठीक है। पेजेंट्स से वो एक टैक्स लिया करते थे जिसे फ्यूडल लेवीज बोला जाता है। एक तरीके की रेंट होती थी कि तुम हमारी ज़मीन पे काम करोगे तो तुम हमें रेंट दोगे, ठीक है। जो फ्रांस के किंग थे ना वो दूसरे लोगों से लिंक थे एक वेसलेज के सिस्टम से, ठीक है।
किंग को जो दूसरे लोग थे सीनियर के रूप में यानी कि लॉर्ड के रूप में एक्सेप्ट करते थे, और नोबिलिटी जो थी ना वो मेनर हाउसेज में बहुत बड़े बड़े हाउसेज होते थे उनके अंदर रहा करते थे नोबल लोग। ठीक है, जो कैवलरी और जो पेजेंट सोल्जर्स थे उन्हें नाइट्स बोला जाता था। ठीक है, नाइट्स। जो मिनिस्टर और बार्ड्स थे वो कौन होते थे, जो कि फ्रांस में घूमते थे, कुछ ऐसे लोग जो फ्रांस में घूमते थे ब्रेव किंग्स और नाइट्स की टेल्स गाते हुए, उन्हें मिनिस्ट्रल और बार्ड्स बोलते थे। ठीक है, मिनिस्ट्रल और बार्ड्स जो हैं वो फ्रांस में ब्रेव किंग्स और नाइट्स की कहानियाँ टेल्स गाते हुए घूमते थे। पीजेंट्री। अब जो पेजेंट्स और जो सर्फ थे वो दो तरीके के कल्टीवेटर थे उस टाइम के मिडिवल यूरोप में। फ्री पेजेंट्स जो थे वो लॉर्ड्स की फील्ड में काम करते थे। ठीक है, और उन्हें लेबर रेंट भी प्रोवाइड किया करते थे। अब ये टैक्स किंग को भी पे करते थे जिसे टेल बोला जाता था। देखो, चर्च उनके ऊपर एक टैक्स लगाता था जिसे टिथ बोला जाता था, देन किंग को उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, और साथ ही साथ रेंट भी पे करनी पड़ती थी नोबिलिटी को। ठीक है, तो आप देख सकते हो थर्ड कैटेगरी के ऊपर कितना अत्याचार होता था। जो यूरोपियन मोनार्क्स थे उन्हें न्यू मोनार्क्स बोला जाता था। ठीक है, जो एंग्लो सैक्सॉन्स थे उनकी एक बहुत बड़ी ग्रेट काउंसिल होती थी जिससे किंग कंसल्ट करता था कोई भी टैक्स इम्पोज करने से पहले। फिर बाद में ये एक पार्लियामेंट के रूप में डेवलप हो गई जिसके अंदर दो हाउसेज होते थे, हाउसेज ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर आते थे लॉर्ड्स, क्लर्जी यानी कि नोबिलिटी और चर्च वाले लोग सारे, और हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर आते थे ऑर्डिनरी लोग यानी कि पेजेंट्स वगैरह। जो इंग्लिश मोनार्क थे, किंग थे चार्ल्स द फर्स्ट, उन्होंने इंग्लैंड को रूल करा था 629 से लेके 1640 तक। ठीक है, उन्होंने कोई पार्लियामेंट नहीं बुलाई थी अपने रूल के दौरान। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिससे सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस अफेक्ट हो रहे थे, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके वजह से सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस अफेक्ट हो रहे थे, जैसे कि एनवायरमेंट, लैंड यूज़, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैथेड्रल टाउन्स के बारे में। 12th सेंचुरी से क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनने लगे जिन्हें कैथेड्रल्स बोला जाने लगा। ये फ्रांस में बनने शुरू हुए, ये मोनेस्ट्रीज से बिलोंग करते थे। कैथेड्रल पत्थर से बनते थे और इनके अराउंड जो एरिया था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होने लगा, और धीरे धीरे ये एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज डेवलप होने लगे। अब धीरे धीरे इनके आसपास छोटे छोटे टाउन्स डेवलप होने लग गए थे। अब ये जो कैथेड्रल की विंडोज़ होती थी वो स्टेनड ग्लास से बनी होती थी, दिन के टाइम सनलाइट की रोशनी से वो बहुत ज़्यादा चमकते थे, और रात में जब उनके अंदर कैंडल्स जलती थी ना तो जो लोग गुजरते थे उनको वो कैंडल्स दिखती थी। ठीक है, अब जो स्टेनड ग्लास होता था ना उसके ऊपर बाइबल की स्टोरीज डिस्क्राइब करी जाती थी, नरेट की जाती थी पिक्चर्स की फॉर्म में। और दो वेल नोन मोनेस्ट्रीज थी उस टाइम की, एक तो थी सेंट बेनेडिक्ट इन इटली और दूसरी थी जो कि 529 में बनाई गई थी, और दूसरी थी क्लनी इन बर्गंडी जो कि 910 में बनाई गई थी। ठीक है, अब द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। अब क्या हुआ, 14th सेंचुरी के दौरान धीरे धीरे यूरोप की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन थी वो स्लो डाउन होती चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ था, इन रीजंस की वजह से, और इसी को हम 4th सेंचुरी क्राइसिस भी बोलते हैं। अब देखो, जो नॉर्दर्न यूरोप था 13th सेंचुरी के एंड के दौरान क्या हुआ, जो वार्म समर थी जो पिछले 300 सालों से चली आ रही थी अब वो ख़त्म हो गई, और गर्मियों में भी बहुत ठंड होने लग गई। अब क्या हुआ, इससे जो क्रॉप उगाने का सीज़न था वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गया। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा, ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा हिट देखने को मिला। क्यों, मेटल मनी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। अब जो सिल्वर माइंस थी ना उनके अंदर सिल्वर ख़त्म हो गया था ऑस्ट्रिया और सर्बिया में, तो अब गवर्नमेंट को कुछ सस्ते मेटल्स को मिलाना पड़ा अपनी करेंसी के अंदर, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न क्या हुआ, जो शिप्स आ रही थी दूर दूर इलाकों से यूरोपियन पोर्ट्स पे जो आ रही थी वो अपने साथ लाती थी रैट्स, और वो रैट्स में लाती थी डेडली ब्यूमोनिक प्लाग नाम का इन्फेक्शन जिसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी इस टाइम पीरियड में। तो इन फैक्टर्स को ही हम 4th सेंचुरी का क्राइसिस कहते हैं। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी इस टाइम पे यूरोप में। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिले, तो वो हम देखते हैं। 15th और 16th सेंचुरीज के दौरान क्या हुआ, यूरोप के जो किंग्स थे उन्होंने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया। जो नए मोनार्क्स थे जैसे कि लुई 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये कुछ एब्सोल्यूट रूलर थे। ठीक है, जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी थी। अब जो फ्यूडलिज्म था और जो ये लॉर्डशिप था 16th सेंचुरी के दौरान ये ख़त्म होता चला गया। ठीक है, फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम, लॉर्डशिप, ये ख़त्म होता चला गया। लॉर्ड का दबदबा अब इतना ज़्यादा नहीं था। तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक नई नेशन स्टेट की
डिमांड बढ़ने लगी थी यूरोप में। थ्रू आउट द यूरोप हमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी देखने को मिले थे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, देन जर्मन रेवोल्यूशन हुआ 1848 में, देन रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1817 में, ठीक है। ये रेवोल्यूशन जो थे, इससे क्या पता चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में लोग इंस्पायर हो रहे थे, ऐसे सोसाइटी की डिमांड कर रहे थे लोग जहाँ पर लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, ठीक है। अब लोग सोसाइटी को एक नई तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, ठीक है। अब राइज ऑफ फोर्थ ऑर्डर, अब फोर्थ ऑर्डर क्या था, कौन सी नई सोशल कैटेगरी थी भाई, अब ये न्यू टाउन्स एंड टाउन पीपल, इन्हीं को हम फोर्थ ऑर्डर या फोर्थ सोशल कैटेगरी मानते हैं। अब देखो, जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है, एग्रीकल्चर के अंदर हम एक्सपेंशन देखते हैं, तो और भी कई सारे एरियाज़ के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर बढ़ा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, टाउन्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपेंशन होती है, तो इन तीन फैक्टर्स के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जो टाउन्स थे रोमन एम्पायर के, वो डेजर्टेड और रुइंड हो चुके थे जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ, ठीक है। बट 11th सेंचुरी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंक्रीज होने लगा, और अब एग्रीकल्चर और ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर पा रहा था, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे टाउन्स जो हैं वो ग्रो होने लग गए दोबारा से। टाउन से क्या होता है, टाउन में पेड वर्क वाली एक सुविधा मिल जाती है, यानी कि काम करेंगे, काम के बदले में पैसे मिलते थे, और लॉर्ड के कंट्रोल से आज़ादी, फ्रीडम भी मिल जाती है, ठीक है। तो लोग जो थे पेजेंट फैमिली से, जो यंग पीपल थे, वो धीरे धीरे टाउन की तरफ शिफ्ट होने लगे। एक तो वो लॉर्ड के कंट्रोल से फ्री हो जाते थे, और दूसरा उन्हें पेड वर्क वाली सुविधा मिल जाती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े बड़े टाउन्स बनने लग गए, और बड़े टाउन के अंदर लगभग 30,000 तक की पॉपुलेशन होती थी, और इन्हीं को हम फोर्थ ऑर्डर यानी कि फोर्थ सोशल कैटेगरी मानते हैं। अब गिल्ड क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज द गिल्ड, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती थी उस टाइम पे, तो उसी को गिल्ड बोलते हैं, ठीक है। ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज इंटू अ गिल्ड, हर एक इंडस्ट्री, हर एक क्राफ्ट एक गिल्ड के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एसोसिएशन के अंदर जो थी ऑर्गेनाइज होती थी, ठीक है। ये एक ऐसी एसोसिएशन होती थी जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी सेल, इन चीज़ों को कंट्रोल किया करती थी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी इंडस्ट्री की हम कह सकते हैं। एक गिल्ड हॉल हर एक टाउन में देखने को मिला है उस टाइम पे। ये एक बिल्डिंग थी जहाँ पर सेरेमोनियल फंक्शंस होते थे, सभी गिल्ड के हेड जो हैं वो वहाँ पर फॉर्मली मिला करते थे, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके वजह से हमें इस चैप्टर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, मतलब जो इस चैप्टर में हमें नॉलेज मिल रही है, वो हमें कहाँ से मिली, इन सोर्सेज की मदद से, ठीक है। तो टाइमलाइन वगैरह ये सब कुछ आप अपनी बुक में से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ के ज़रूर जाननी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, एंड लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7, दैट इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो देखो, अब क्या हो रहा था, यूरोप में 14th से 17th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे चेंजेस चल रहे थे, बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे, जिनसे यूरोप के कल्चरल ट्रेडिशन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ा, वो भी इन्फ्लुएंस हुए। 19th सेंचुरी से क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने रेनेसा इस टर्म का यूज़ करना शुरू कर दिया, उस टाइम के कल्चरल ट्रेडिशंस में जो जो चेंज आ रहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अब रेनेसा इस टर्म का लिटरली मतलब होता है रीबर्थ, और ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये सबसे पहले यूज़ किया था एक स्विस स्कॉलर ने जिनका नाम था जैकॉब बर्कहार्ट, 1860 में सबसे पहले उन्होंने इसका यूज़ करा था इस टर्म का। अब रेनेसा का मतलब था एंशिएंट ग्रीक और लैटिन कल्चर का रिवाइवल, ये सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था, फिर ये रोम में फैला, फिर वेनिस में, फिर फ्लोरेंस में, मतलब धीरे धीरे ये चेंज कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर पूरे यूरोप में देखने को मिला। ये जो टर्म थी रेनेसा मैन, अब ये टर्म यूज़ की जाती थी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट स्किल्स हैं, उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए। भाई एक पर्सन है, वो एक स्कॉलर भी है, डिप्लोमेट भी है, थियोगियन भी है, आर्टिस्ट भी है, मतलब सब कुछ है, इतने सारे स्किल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस पर्सन को रेनेसा मैन उस टाइम पर बोला जाता था, ठीक है। अब रेनेसा से क्या हुआ, जो स्पिरिट था इक्वालिटी का वो बढ़ा, ठीक है, लोगों के अंदर इक्वालिटी की डिमांड बढ़ी, और उन्होंने लोगों ने सुपरस्टिशंस को, जो पहले पुराने रिचुअल्स थे सोसाइटी में, उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये चीज़ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब लोगों ने उन सुपरस्टिशंस के ऊपर, उन आलतू फालतू के रिचुअल्स के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए।
अब क्या हुआ, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वर डीपली अफेक्टेड बाय रेनेसांस। समझ में आया, जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हुई इस रेनेसा वाले टाइम पीरियड से। अब इस रेनेसा का कोर्स क्या था, किस वजह से ये रेनेसा आया, कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था बाइजेंटियन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। इससे क्या हुआ, जो इटालियन कोस्ट था वो रिवाइव हो गया, ठीक है, इटालियन पोर्ट्स जो थे इटालियन कोस्ट के ऊपर वो रिवाइव होने लग गए। 12th सेंचुरी से क्या हुआ, मंगोल्स ने ओपन कर दिया था ट्रेड रूट, जो चाइना से सिल्क रूट होके जाता था ना, वो वाला ट्रेड रूट उन्होंने खोल दिया था। एंड एज ट्रेड विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो इंक्रीज, इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल। तो भाई अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड बहुत बढ़ा, और इससे क्या हुआ, इटालियन जो टाउन थे वो बीच में पड़ते थे, उन्होंने सेंट्रल रोल प्ले करा, तो इसी वजह से वो भी रिवाइव हो गए। अब वो किसी एक एम्पायर का पार्ट नहीं थे, वो इटालियन जो ये स्टेट्स थे टाउन्स थे वो किसी एक पावरफुल एम्पायर के पार्ट नहीं थे, अब वो एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बन चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ऑटोमन टर्क्स। 1453 में क्या होता है, ऑटोमन टर्क्स थे जो डिफीट द बाइजेंटाइन रूलर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वो बाइजेंटाइन जो एम्पायर था उसके रूलर को हरा देते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल पे राज करता था। अब क्या हुआ, इटालियंस मैनेज टू डू बिजनेस विद द टर्क्स बट वर नाउ रिक्वायर्ड टू पे हायर टैक्सेस ऑन द ट्रेड। अब क्या हुआ, इटालियन जो थे वो टर्क्स के साथ बिजनेस तो कर पा रहे थे बट उन्हें ट्रेड के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ता था। द पॉसिबिलिटी दैट मेनी मोर पीपल कुड बी ब्रॉट इन टू द फोल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी मेड मेनी डिवोट क्रिश्चियन यूरोपियंस रेडी टू फेस एडवेंचर। अब बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लोग थे जो सोच रहे थे कि भाई क्यों ना अब अपनी क्रिश्चियनिटी को हम बढ़ाएं, तो वो दूर 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 इलाकों में निकल पड़ते हैं अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए। तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा एडवेंचर फेस करना था अपनी क्रिश्चियनिटी को अगर बढ़ाना होगा, दूसरे रिलीजन लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें अपना रिलीजन अडॉप्ट करवाना इतना इजी तो है नहीं, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में कुछ क्रिश्चियंस भी अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने निकल पड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में एक रिलीजियस वॉर भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। अब क्या हुआ, एंड ऑफ 16th सेंचुरी तक क्या हुआ, फ्यूडलिज्म जो है वो डिक्लाइन होने लग गया। क्यों, क्योंकि एक नया ऑर्डर आ गया था, टाउन एंड द टाउन पीपल, हमने पढ़ा था, एक नया ऑर्डर आ गया था जिसके कारण लोग अब टाउन्स में शिफ्ट होने लग गए थे, और कहीं ना कहीं लोड के जंगल से बचने के लिए वो जा रहे थे, तो इस वजह से फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड। अब एग्रीकल्चर जब एक्सपैंड होता है तो उससे पॉपुलेशन, ट्रेड और टाउन्स, इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्या हुआ, 14th से लेके एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक टाउन्स वर ग्रोइंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, ठीक है, एक अलग सा अर्बन कल्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। टाउन्स जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये आर्ट और लर्निंग का सेंटर बन गए थे, ठीक है, और एक वाइब्रेंट सिटी थी, एक सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट सिटी थी वेनिस, और दूसरी थी जिनोवा, ठीक है। राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। अब क्या हुआ, जब फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल देखने को मिला, एक नई मिडिल क्लास उभर कर आई, ठीक है, मतलब जो टाउन पीपल थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे ज़्यादातर, ठीक है, और ये नई मिडिल क्लास थी क्योंकि पहले ये टाउन्स तो थे नहीं। दे बिगैन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज मोर सिविलाइज्ड देन रूरल पीपल। ये अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे रूरल पीपल के हिसाब से, कि भाई हम तो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, हम तो टाउन्स में रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ नेशंस। अब क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट आ गया था नेशन स्टेट का। लोग एक लिबरल सोसाइटी की डिमांड करने लग गए थे, एक ऐसे सोसाइटी की डिमांड करते थे जहाँ पर इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले। अब किंग कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं था, ठीक है, तो अब एक नई भावना, नई फीलिंग नेशन स्टेट की लोगों के अंदर डेवलप होने लग गई थी। अब इस रेनेसा के क्या क्या इफेक्ट्स हुए, तो पहला पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, ठीक है। ह्यूमनिज्म वॉज वन ऑफ द मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड इन इटली इन 14th सेंचुरी, ठीक है, इटली में शुरू हुआ 14th सेंचुरी में। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो थी ना वो लीगल स्टडीज़ के सेंटर थी। फ्रांसेस्को पेट्रार्क इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, तो यहाँ से MCQ बन सकता है, ठीक है, अपनी बुक में, नोटबुक में कहीं पर भी इसे नोट डाउन कर लेना। उन्होंने सजेस्ट करा अ शिफ्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ लॉ टू द एंशियंट रोमन कल्चर एंड टेक्स्ट, कि भाई हम अपनी स्टडी को लॉ से शिफ्ट कर दें एंशियंट रोमन कल्चर और टेक्स्ट पे, ठीक है। जो टर्म है ह्यूमनिज्म
वॉज फर्स्ट यूज बाय अ रोमन लॉयर. सबसे पहले इस टर्म का यूज करा था एक रोमन लॉयर और एसेस्ट जिनका नाम था सिसियरो. ठीक है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें वन मार्कर के लिए. जो ह्यूमनिस्ट थॉट था दैट दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस. जो ह्यूमनिस्ट थे, मतलब जो ये ह्यूमनिज्म जो ये आइडिया था इसको फॉलो करते थे कि भाई हम एंशियंट रोमन कल्चर और टेक्स्ट को पढ़ने लग जाएं रैदर देन लो, तो उनको हम ह्यूमनिस्ट बोलेंगे. ठीक है, तो वो ह्यूमनिस्ट लोग सोचते थे कि हम अपनी ट्रू सिविलाइजेशन को दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं डार्कनेस के बाद. इतनी सेंचुरी से जो डार्कनेस चली आ रही थी अब हम उसे ख़त्म कर रहे हैं और अपनी ट्रू सिविलाइजेशन को वापस से रिस्टोर कर रहे हैं. अब वो डार्क एज किसे मानते थे? जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो उसके बाद जो टाइम पीरियड था उसे वो डार्क एज बोलते थे. ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 5th to 14th century वॉज द मिडिल एज एंड द मॉडर्न एज स्टार्टेड फ्रॉम द 15th century. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक आर्ट. इन द 15th century फ्लोरेंस वॉज रिकोगनाइज फॉर इट्स टू प्रोमिनेंट रेनेसामैन. रेनेसामैन मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ किसे बोलते थे रेनेसामैन, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारे स्किल्स और इंटरेस्ट होते हैं. ठीक है, तो 15th century में फ्लोरेंस जो सिटी थी, टाउन था, उसे दो प्रोमिनेंट रेनेसामैन की वजह से जाना जाता था. फर्स्ट थे डेंटे एलिगियरी. ठीक है, वो एक एमिनेंट पोएट और फिलोसोफर थे इटली के. वो बहुत सारे रिलीजियस थीम्स लिखा करते थे. ठीक है, जैसे कि द डिवाइन कॉमेडी. दूसरे थे गियोटो. वो एक आर्टिस्ट थे जो कि लाइफ लाइक पोर्ट्रेट बनाया करते थे. ठीक है, फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड एज अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी. इसके बाद से वो एक सबसे एक्साइटिंग और इंटेलेक्चुअल सिटी के रूप में डेवलप हुई और साथ ही साथ एक ऐसी सिटी जो कि सेंटर थी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमनिस्टिक लिटरेचर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. बाय द अर्ली 15th century जो टर्म थी ह्यूमनिस्ट, ये यूज़ किया जाता था फॉर मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी. ठीक है, किसको बोला जाता था समझा यहाँ पे हमने? जो लेटिन वर्ड था ह्यूमैनिटास, फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वॉज डिराइव. पता होना चाहिए ह्यूमैनिटीज कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लेटिन वर्ड ह्यूमैनिटास से. ठीक है, हैड बीन यूज मेनी सेंचुरीज अगो टू मीन कल्चर. जो ये टर्म था ह्यूमैनिटास, इसे बहुत सेंचुरीज पहले यूज किया जाता था कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन. ये जो सब्जेक्ट्स थे ये रिलीजन से ही नहीं डिराइव किए गए थे या फिर ना ही ये रिलीजन से कनेक्टेड थे. दीज एम्फसाइज्ड स्किल्स डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट. ये जो सब्जेक्ट्स थे ये एम्फसाइज कर देते उन स्किल्स के ऊपर जो इंडिविजुअल्स ने डेवलप करे हैं डिस्कशन और डिबेट के थ्रू. जोवानी बोकैशियो एक ग्रेटेस्ट राइटर थे और ह्यूमैनिस्ट थे जिन्होंने डिकैमेरॉन लिखी थी. ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ थी पैडवा और बोलोगना की, बोलोगना जो भी है इसे आप प्रनाउंस कर सकते हैं. ठीक है, हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज़. ये यूनिवर्सिटी सेंटर थी लीगल स्टडीज़ की. ठीक है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि ह्यूमैनिटीज़ कहाँ से आई, किससे डिराइव किया गया, तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए. जो ह्यूमैनिस्ट थे रीच्ड आउट टू पीपल इन वैरायटी ऑफ फेस. वो लोगों तक उन्होंने अपने विचार वो बहुत सारे तरीकों से पहुंचाने की कोशिश करी. जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना उनके करिकुलम में ज़्यादातर लॉ ही पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी. ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट जो थे वो धीरे धीरे स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, इटली में ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी. तो ये टाइम पीरियड है, आप देख सकते हैं 5th से 14th century को मिडिल एजेस बोला जाता है, इसको डार्क एज, तो ये आप एक बार देख लेना. नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज. वेस्टर्न यूरोप वॉज बींग रीशेप्ड बाय फ्यूडल बोन्स एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च. हमें पता है वेस्टर्न यूरोप जो था वो फ्यूडल बोन्स से और लैटिन चर्च की वजह से यूनिफाइड था, बट जो ईस्टर्न यूरोप था वो बाइजेंटाइन एम्पायर का एक पार्ट बन चुका था और इस्लाम जो था वो अपनी खुद की एक कॉमन सिविलाइजेशन क्रिएट करता जा रहा था वेस्ट के अंदर. इटली वीक था और फ्रेगमेंटेड था, टुकड़ों में बटा हुआ था. जो पोर्ट थे इटालियन कोस्ट पे वो रिवाइव हो गए इस रेनेसा के दौरान. फ्रॉम द 14th to the end of 17th century टाउन्स वर ग्रोइंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप. ठीक है, सिंपल सी लाइन है, समझ में आ गई होगी. जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग का, इस सेम टाइम पे इससे क्या हुआ, बहुत सारी बुक्स प्रिंट करी गई,
बहुत सारी बुक्स प्रिंट हुई थी, बहुत सारी बुक्स जो है लोगों के पास अवेलेबल हो गई थी। ठीक है, रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ। अब रिलीजन एक ऐसा टॉपिक बन चुका था, लोग समझते थे कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, द चर्च बिलीफ वॉज ओवरटर्न्ड बाय साइंटिस्ट। अब जो चर्च का बिलीफ था, अब साइंटिस्ट उसके ऊपर सवाल खड़े करने लग गए थे कि अगर फालतू में तुम ये पर्टिकुलर रिचुअल या सुपरस्टिशन बता रहे हो तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लोगों ने अब चर्च की चीज़ों को सवाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट ने उन्हें चैलेंज करना शुरू कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस, जो हांस ग्यूटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करा था 1455 में, इम्पॉर्टेंट है अगेन ये वन मार्कर के लिए। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो सेटअप करी गई थी बाय कैक्सटन इन 1477, कहाँ पर, यूरोप में। ठीक है, जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस का, इससे क्या हुआ, जो वॉल्यूम ऑफ बुक्स थी वो इंक्रीज हुई, इससे क्या हुआ, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ। द अरब्स कॉन्ट्रीब्यूशन, 14th सेंचुरी में क्या हुआ, जो अरब्स थे उन्होंने एंशियंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दिया था। वो प्लेटो को अफ्लेटून बोलते थे और एरिस्टोटल को अरिस्तु बोलते थे अरेबिक में। ठीक है, जो नोटेड मुस्लिम राइटर्स थे वो कौन से थे, इब्न सीना, ठीक है, मतलब फेमस मुस्लिम राइटर उस टाइम के, और इब्न रुश्द। ठीक है, अलमी जो थे वो ग्रीक में लिखा करते थे, जैसे कि उन्होंने ये लिख रखा था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, रैशनलिज्म व्यू पॉइंट, इट डेवलप द आइडियाज़ अमंग द पीपल एंड दे अबैंडन द सुपरस्टिशंस बिलीव्स एंड रिचुअल दैट प्रिवेल इन द एंटायर सोसाइटी। अब लोगों ने उन सुपरस्टिशंस को, उन रिचुअल्स को, उन बिलीव्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये है तो क्यों है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। इट पेव्ड द वे फॉर न्यू इन्वेंशन विच चेंज द वे ऑफ लाइफ। अब इससे क्या हुआ, लोगों ने नए नए इन्वेंशंस शुरू कर दिए। ठीक है, नए नए इन्वेंशंस होने लगे और लोगों की ज़िंदगी बदलने लग गई। 1000 years after the fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and other deserted cities. जब बहुत साल हो गए थे रोम को, रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स उनकी आर्ट के, मतलब उनके मॉन्यूमेंट्स के बहुत सारे टुकड़े, रूइंस हमें देखने को मिले हैं एंशिएंट रोम में और दूसरी भी बहुत सारी खंडर जो सिटीज़ हो गई थी उनके अंदर, मतलब हमें देखने को मिला है कि कितनी अच्छी उनकी आर्ट हुआ करती थी, कितने सुंदर उनके मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे। भाई मॉन्यूमेंट्स भी तो आर्ट रिफ्लेक्ट करते हैं ना। आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प्ड बाय द वर्क ऑफ साइंटिस्ट। जो आर्टिस्ट थे ना वो उस टाइम पे इतने कंसर्न हो गए थे कि भाई हमारा जो ये पोर्ट्रेट बनेगा या फिर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए उन आर्टिस्ट ने साइंटिस्ट की हेल्प लेनी शुरू कर दी। अब वो बोन स्ट्रक्चर को समझने के लिए जाते थे, स्टडी करने के लिए जाते थे, कहाँ पर जाते थे, आर्टिस्ट वेंट टू द लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स। ठीक है, मतलब वो पोर्ट्रेट जो थे, स्कल्पचर, वो भी बोन के स्ट्रक्चर को समझने के बाद बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी एक्यूरेसी का उनका कंसर्न होता था। इससे क्या हुआ, द एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड ब्यूटीफुल गेव अ न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट। इन चीज़ों के वजह से एक नई क्वालिटी मिली इटालियन आर्ट को, ठीक है, जिसे हम रियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड विच कॉन्टिन्यू टिल द 19th century, और ये 19th century तक चलता रहा। द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th century वॉज द मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन था 16th century के दौरान का। ठीक है, यूरोपियंस जो थे ना वो इंडेप्टेड है इस चीज़ के लिए चाइनीज लोगों के ऊपर, मतलब यूरोपियन ने खुद से ये प्रिंटिंग डेवलप नहीं करी है, जो चाइनीज थे ना उन्होंने ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। एंड टू मंगोल रूलर्स बिकॉज यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग द विजिट्स टू देयर कोर्ट। क्योंकि यूरोपियन जब उनके कोर्ट्स में जाते थे ना, इन रूलर्स के कोर्ट में, तो वहीं से ये सब कुछ उन्होंने सीखा था, इस टेक्नोलॉजी का उन्हें वहीं से पता चला था कहीं ना कहीं। बेशक अब वो खुद कहते कि हमने इन्वेंट करी थी, बट कहीं ना कहीं ये आइडिया जो था ये वहीं से आया था। जो जियोमेट्री की नॉलेज थी, इससे क्या हुआ, वो एक पर्सपेक्टिव समझ पाए, एंड दैट बाय नोटिंग चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ द पिक्चर्स एक्वायर 3-dimensional क्वालिटी। मतलब इन सारी चीज़ों से, ज्योमेट्री से, एनाटॉमी से, इन स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद उनकी पिक्चर्स के अंदर, उनकी जो स्ट्रक्चर्स वो बनाते थे उनके अंदर एक क्वालिटी आ गई, 3-dimensional क्वालिटी आ गई। ठीक है, इसी को हम रियलिज्म कहते हैं, ये मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है,
ठीक है, नॉट द गॉड बट द नेचर द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन वॉज अ रेवोल्यूशन इन थॉट. अब लोग मानने लग गए थे कि सब कुछ भगवान ने ही नहीं बनाया है, नेचर है सब चीज़ों का क्रिएटर. ठीक है, नेचर ने ये सब कुछ क्रिएट कर रखा है. पीपल बिकेम मोर रैशनल एंड साइंटिफिक. लोग अब ज़्यादा रैशनल हो गए, ज़्यादा साइंटिफिक हो गए, मतलब हर चीज़ के पीछे अब लोग लॉजिक ढूंढने लग गए. ठीक है, साइंटिस्ट यूज द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड न्यू थॉट्स. दिस वॉज जस्ट कॉन्ट्रेरी टू द क्रिश्चियन बिलीव्स. अब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए, ऑब्जर्वेशंस करनी शुरू कर दी, नए थॉट्स आए उनके दिमाग में जो कि क्रिश्चियन बिलीव्स के बिल्कुल उल्टे थे. वो तो सिर्फ सुपरस्टिशंस बना देते थे हर चीज़ को, कोई लॉजिक नहीं होता था उनकी बातों के पीछे. बट साइंटिस्ट ने अब डिस्कवरी करनी शुरू कर दी थी, इन्वेंशंस करने शुरू कर दिए थे. साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, इसैक न्यूटन ब्रॉट न्यू चेंजेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, कॉपरनिकस एसर्टेड दैट द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन. ये किसने बताया था? कॉपरनिकस ने. न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वॉज ऑल्सो क्लाइमेक्स इन दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन. साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान था ये भी. द थ्योरी ऑफ अर्थ एज अ पार्ट ऑफ द सन सेंटर्ड सिस्टम वॉज मेड पॉपुलर बाय कीपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री. ठीक है, ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने पॉपुलर की थी, इस मिस्ट्री ने पॉपुलर की थी. अब ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मोनालिसा किसने बनाया था, लास्ट सपर किसने पेंट कराया था, तो ये सब कुछ बता रखा है, ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके. एस्पिरेशन ऑफ द विमेन, इन सभी टॉपिक्स के अंदर जो थी विमेन इंक्लूड नहीं थी. ठीक है, हमें पता है सब चीज़ों के अंदर विमेन को कहीं ना कहीं निगलेक्ट ही किया गया है. मेन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ. जो एरिस्टोक्रेसी जो थी, यानी कि जो रिच फैमिलीज थी, उनके मेन डोमिनेट करते थे पब्लिक लाइफ को. इवन फैमिलीज़ के अंदर भी वही डिसीजन लेते थे. बहुत कम विमेन जो थी वो बहुत क्रिएटिव थी या सेंसिटिव थी ह्यूमनिस्ट एजुकेशन में. ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी किन्हीं विमेन ने, थोड़ी बहुत कुछ रही होंगी. विमेन्स राइटिंग रिवील्ड देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर. विमेन की राइटिंग से पता चला है कि वो भी चाहती थी कि उनके पास इकोनॉमिक पावर हो, प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन हो, टू अचीव एन आइडेंटिटी इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन. ताकि उन्हें इस वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी मिल सके, एक ऐसी वर्ल्ड जिसको मेन ने डोमिनेट कर रखा है, उसमें एक आइडेंटिटी मिल सके. ठीक है, तो ये हमें विमेन की राइटिंग से पता चला है. अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले एक बार बता देती हूँ. इस चैप्टर में पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका? 8 मार्कर आ सकता है आपका. ठीक है, कहाँ से आएगा? रेनेसा से. रेनेसा से भाई, रेनेसा जो है ये क्या था, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए, ठीक है, कॉजेज क्या थे, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझ के एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है. ठीक है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट. द चर्च मेनली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल अलॉट. ठीक है, चर्च ने लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा था. रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन 16th century अगेंस्ट द चर्च एंड द पॉप. ठीक है, ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था ये एक प्रोटेस्ट था एक तरीके से 16th century के दौरान, जो किसके अगेंस्ट हुआ था? चर्च और पॉप के अगेंस्ट. 1517 में क्या हुआ, एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, उन्होंने लॉन्च किया था एक कैंपेन अगेंस्ट कैथोलिक चर्च. उन्होंने पूछा अपने फॉलोअर्स से टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, कि तुम्हें अपने गॉड के अंदर पूरा फेथ होना चाहिए. उन्होंने बताया ऐसा अपने फॉलोअर्स को, फॉर फेथ अलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू हेवन. क्योंकि फेथ से ही तुम एक अच्छी, एक राइट जिंदगी जी सकते हो और तुम्हें हेवन के अंदर एंट्री मिल सकती है. इस मूवमेंट को ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बोला जाता है. ठीक है, और जो मान रहे थे उन्हें प्रोटेस्टेंट्स बोला जाएगा. ठीक है, लेड टू चर्चेज इन जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद द पोप. तो इससे क्या हुआ, जो जर्मनी के अंदर, जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो चर्चेस थे, वो अपने आप को पोप से और कैथोलिक चर्च से अलग मानने लगे, उनसे उनका कनेक्शन टूटने लग गया. ठीक है, अब क्या क्या कॉजेज थे इस मूवमेंट के? ऑटोक्रेसी ऑफ चर्च एंड कैथोलिक करप्शन. क्योंकि जो चर्च था वो अपना ही दबदबा, अपनी ही ऑटोक्रेसी बना के रखता था. मतलब उसका इतना दबदबा था लोगों के अंदर, फालतू के इतने बिलीव्स उसने डेवलप कर लिए थे लोगों के ऊपर दबदबा बनाने के लिए. और कैथोलिक चर्च जो था वो इतना ज़्यादा करप्टेड हो गया था. जब किसी एक पर्सन के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा करप्टेड भी हो जाता है. ठीक है,
लूथर आर्ग्यूड दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद गॉड. लूथर ने बोला कि जो एक पर्सन है अगर उसको गॉड के साथ एक कनेक्शन बनाना है तो उसे प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती. 1517 में उन्होंने लिखी थी 95 थीसिस, ठीक है, ये एक बुक या फिर जो भी एक डॉक्यूमेंट था, जो भी था वो उन्होंने लिखा था, चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए. हाउएवर लूथर डिड नॉट सपोर्ट रेडिकलिज्म, ठीक है, जो कैथोलिक चर्च था वो खुद भी एक ऐसी चीज़ थी जो अपने आप को रिफॉर्म करने लग गई थी बाद में चल के. मतलब चर्च को पता चल गया था भाई लोग अब समझने लग गए हैं हर एक चीज़ को, अब हमारी ऑटोक्रेसी नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा, तो अब चर्च ने भी रिफॉर्मेशन शुरू कर दी थी, ठीक है. विलियम टिंडेल, ये एक इंग्लिश लूथरन थे, मतलब लूथर के सपोर्टर थे, जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था 1506 में, ठीक है. ही डिफेंडेड प्रोटेस्टेंटिज्म, मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही, प्रोटेस्टेंट वाली आइडियोलॉजी को ही ये बोला जाता है, ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म. उन्होंने बोला कि क्लर्जी हैड फोर्ज्ड द प्रोसेस ऑर्डर एंड मीनिंग ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट, जो पुराने टेक्स्ट थे उनका जो मतलब था, इन सभी चीज़ों को क्लर्जी ने बदल दिया है, ठीक है, क्योंकि इट वॉज इन ग्रीक एंड लेटिन एंड इनएक्सेसिबल टू द कॉमन मैन, क्योंकि वो चीज़ें, वो बुक्स, वो टेक्स्ट ग्रीक और लैटिन में थे और इतनी ज़्यादा कॉपीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों को पता तो था नहीं कि बाइबल के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ उनकी ही बात माना करते थे. अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इस रिफॉर्मेशन के, तो वो एक बार देख लेते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, एक बार मैं ये आपको ये पढ़ा लेती हूँ, ये वाला आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा ये. जो काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट था ये क्यों आया, इट केम एज अ रिजल्ट ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है. मेनी डिफेक्ट्स हैड कम इन टू द कैथोलिसिज्म बट रोमन कैथोलिक डिड नॉट बी नीड टू इट. अब जो रोमन कैथोलिक चर्च था उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो बिलीफ थी, उनके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ गए थे, बट उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ. अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट द चर्च ट्राई टू रिफॉर्म इट सेल्फ ऑफ सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस. इस मूवमेंट में क्या हुआ, चर्च ने अपनी कुछ चीज़ों को बदल दिया, रिफॉर्म कर दिया, जिनके ऊपर लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि भाई ये चीज़ गलत है, तो उन चीज़ों को रिफॉर्म कर दिया. फॉर इंस्टेंस बिशप्स वर नाउ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल बिशप्स को अब उनकी एबिलिटी के हिसाब से अपॉइंट किया जाता था. अब रेनेसा का रिजल्ट क्या रहा वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट डिड हैपन इन दिस पीरियड वॉज द ग्रेजुअली प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर्स ऑफ लाइफ बिगैन टू बिकम सेपरेट. जो प्राइवेट और पब्लिक स्पेयर्स थे लाइफ के, अब वो अलग होने लगे. ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया. पब्लिक स्पेयर का क्या मतलब है, गवर्नमेंट का एरिया, एरिया फॉर्मल रिलीजन, ठीक है. प्राइवेट स्पेयर का मतलब क्या होता है, फैमिली, पर्सनल रिलीजन, ठीक है. एक इंडिविजुअल अब अपना एक प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रोल मानने लगा था, यानी कि उसका एक प्राइवेट रोल भी है, ठीक है, और साथ ही साथ पब्लिक रोल भी है. इसका क्या मतलब है, ही वॉज नॉट सिंपली अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स, यानी कि वो तीन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर का सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है, बल्कि ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन इन हिज ओन राइट. वो एक खुद का पर्सन भी है, यानी कि उसके खुद के भी राइट्स हैं. एन आर्टिस्ट वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ अ गिल्ड, एक आर्टिस्ट सिर्फ एक गिल्ड का मेंबर नहीं है, बल्कि वो अपने खुद के नाम से, अपनी खुद की चीज़ों से, अपनी खुद के स्किल्स पे भी वो जाना जाता है, ठीक है. इसका ये मतलब है 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो सेंस थी इंडिविजुअल की वुड बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिकल फॉर्म. अब इसे पॉलिटिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाने लगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू. अनदर डेवलपमेंट वॉज दैट डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ यूरोप स्टार्टेड टू हैव देयर सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी. दूसरी डेवलपमेंट क्या हुई, जो अलग अलग रीजन्स थे, रीजन्स, ठीक है, यूरोप के, अब वो अपनी अलग आइडेंटिटी मानते थे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग अपने आप को डिस्टिंक्ट मानने लग गए थे अपने लैंग्वेजेस के हिसाब से. फ्रेंच बोल रहे हैं तो वो अलग हैं, जो लैटिन बोल रहे हैं वो अलग हैं, जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो अलग है, जो जर्मन बोल रहे हैं वो अलग हैं. तो मतलब ऐसे अपने लोगों को वो अलग मानते थे कि भाई हम सभी ये लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम अलग हैं उन लोगों से. तो अब ये एक दूसरा चेंज, एक अलग डेवलपमेंट आया उस टाइम पे. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट दोबारा से अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया था
थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट करवाने की, कवर करने की कोशिश करी है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 8 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।